हमारी बोट आ रही है और वो उस पर जा रही है। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? मजा में हो? मेरे पास कुछ काम नहीं था, धंधा नहीं था, इसीलिए मैंने YouTube का व्लॉग बनाने का शुरू किया है। आज मैं थाईलैंड की ट्रिप पे जा रहा हूँ। अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से बैंकॉक जाएगी वो फ्लाइट। इसीलिए जो जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, क्या क्या मज़ा आता है क्या नहीं आता है। और मेरी YouTube जगदीश भाई मोदी के नाम से चलती है। आप सभी लोग बेल और आइकॉन को दबाए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं एयरपोर्ट पर। अब हम थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हम आ गए हैं। बोर्डिंग पास हमारा हो गया है। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, चेकिंग के लिए जा रहे हैं। हमारा इमिग्रेशन भी पूरा हुआ है, सब कुछ पूरा है, आपको अब हम इंतज़ार करते हैं कि फ्लाइट वाले हमको कब बुलाए और ट्रेन पर बैठ जाए। देखिए सब लोगों को बैठने की जरूरत है, यहाँ पर सब लोग बैठते हैं, यहाँ पे सब फ्लाइटें खड़ी है। उसके ऊपर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ये लोग अपना जो होता है रूटीन चेक करता है और आराम से जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, शांति से जाओ, अपनी यात्रा सुखद रहे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैठे हैं, 750 का प्लान है। ये हमारा पहला व्लॉग है, काम नहीं मिलता था इसीलिए हमने ये चालू कर दिया YouTube पर। आप लोग सहकार साथ देने का तो हम आगे जा सकते हैं। आगे की हम आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है आगे। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई दिखता है, सब फ्लाइट जाती है। अभी इधर बिठाए आपको। हाँ, लेकिन वो चेंज हो सकता है। अच्छा, तो मैं बोल के रखा है। ओके, ये बोले जाते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि इमिग्रेशन वाले ने पूछा कि आप लोग थाईलैंड की जा रहे हैं, तो फिर मैंने उनको बोला कि घूमने के लिए जा रहे हैं, बस। और कुछ सवाल पूछे नहीं।
लैंड में भेजने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हमें हमारी सीट में बैठ ही गए थे, हम हमारी सीट में बैठ गए हैं। हम लोग मुंबई एयरपोर्ट उतर गए हैं। अब यहाँ से कनेक्ट फ्लाइट हमको लेने का थाईलैंड के बैंकॉक जाने, उसके बाद हम आप सबको बोलते हैं। इमिग्रेशन भी करवाना पड़ेगा, मगर क्या है कि बैगेज तो मिलेगी बैंकॉक में, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। ये जो है सामने वाली वाइट गाड़ी हमारी है, हमको वो होटल जो है गुड। मैंने थाई भाषा में लिखा है, इसलिए कुछ पता नहीं चलता है। ये हमारी गाड़ी जा रही है, होटल पटाया में वहाँ पे रखा है, ओनली फॉर 2000 rupees। वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड होटल, नियर मार्केट, एवरेजिंग। अब पटाया आ गया है रूम के अंदर, खाना भी बाकी है, कुछ खाया भी नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, वो मिलेगा तब खाएंगे। शाम को भी जाने का है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। थाईलैंड आने से पहले मैंने बहुत जांच की थी कि जो वीज़ा के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में क्या क्या करना पड़ता है, क्या है, सब कुछ मैंने देखा था। सब लोग एक ही बात कहते थे कि वो लोग टिकट मांगेंगे रिटर्न, होटल बुकिंग मांगेंगे, 1% का 10,000 बाट मांगेंगे, अगर 2 हुआ तो 20,000 बाट चाहिए। सबके पास मैंने ऐसे सोचा था, मगर आज क्या हुआ कि ये लोगों ने कुछ मेरी टिकट भी नहीं देखी, होटल बुकिंग भी नहीं देखी, और मेरे पास कितना पैसा है, थाईलैंड बाट है, वो भी मेरे को नहीं पूछा। और
फटाकड़ से 200-200 बार ज़्यादा लिया, सिक्का लगा दिया, वीज़ा इमिग्रेशन अप्रूव हो गया और मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया। और वो लोग इतने स्पीडी है वीज़ा पाने, उन्होंने तो किया है कि 5 मिनट में मुझे वीज़ा दे दिया। इमिग्रेशन के अंदर गए, वो लोगों ने फिंगरप्रिंट लिया, दोनों हाथों के अंगूठे के भी लिया, वो भी कुछ पूछते नहीं है, वो भी पुलिस वाले थे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। आखिर वो पूछते तो क्या पूछते हैं मुझे, आई एम ए रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। क्योंकि हमने तो सरकार में काम किया है, किसका क्या जवाब देने का वो तो हमको पता है, सामने वाला क्या सोचता है वो भी हमको पढ़ना आता है। कॉलेज के अंदर मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, इसीलिए सब कुछ इजी हो जाता है, सामने वाले का मुंह देख के हम पढ़ जाते हैं कि उसको क्या चाहिए। बैंकॉक आइए, थाईलैंड आइए, अच्छा जी से कोऑपरेटिव सब करते हैं, होटल वाले, ड्राइवर। थाईलैंड वैसे तो देखा जाए तो टूरिज्म पर टिका हुआ है, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा इनकम होगी, इसके लिए यहाँ की सरकार अच्छा काम करती है। थाईलैंड में राजाशाही है, पैलेस भी है। थाईलैंड की जो होता है बाट करेंसी के ऊपर राजा का फोटो आता है, हम भी वो देखने को जाएंगे पैलेस, देखते हैं आगे क्या होता है, कल क्या होगा किसने सोचा है। यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम होने वाला है, ये हम देखने को जा रहे हैं, सामने है ऑल जेड उसका नाम है। Swept away on a magical, mystical, musical journey of dance and song that spans the globe. As our performers are preparing to whisk you away to a fantasy land, yes.
होटल पहुंच गए। देखो भाई यहाँ की गाड़ी ऐसी होती है। कोरोना आइलैंड पे नारियल पानी पी रहा है। खूब मजा एक्टिविटी ये सब होती है। आप भी कभी आइए थाईलैंड घूमने को, अच्छी जगह है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हेलो, इंडियन फूड खाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बॉलीवुड रेस्टोरेंट नाम है उसका, बराबर नीचे इसमें क्या नीचे का नाम है बॉलीवुड रेस्टोरेंट, ऊपर है बॉलीवुड रेस्टोरेंट। इंडियन खाना गुजारी खाना मिलता है, चना मसाला है, मिक्स वेज है, रोटी दाल चावल मिलता है। हमने खा लिया है, अब जाते हैं होटल पर।
कल सुबह जाने का है, बैंकों के लिए निकलना है। देखते हैं क्या होता है आगे। बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, अब देखेंगे आगे क्या क्या होता है। यहाँ तो वाटर एक्टिविटी होती है, आप लोग देखिए। बस ये भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मजा आएगी। होटल में ब्रेकफास्ट करो बैठे, होटल में हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं। देखो वेजिटेरियन के लिए यही खाना होता है, जैसे पास्ता है, टमाटर है, कॉर्न है और ये कॉफी और राइस है, दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। जैसा भी है वैसा खा लेते, क्या खाएं। आठ घंटे में बात करेंगे।
कोरोना आइलैंड के लिए हम लोग जा रहे हैं, ये हमारी होटल है कोरोना आइलैंड। जाके आपको दिखाएंगे क्या क्या देखने लायक चीज़ें। कोल्ड पानी जगदीश चंद्र मोदी जी चंदा
यहाँ पर आए इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर हमारे लायक वेजिटेरियन पूरी भाजी मिलती है तो हमने मंगवाई है, खा के होटल पे जाएंगे। वॉकिंग स्ट्रीट देखा, हमने उनका वीडियो भी उतारा है, मगर क्या है कि वॉकिंग स्ट्रीट जो यंग लोग हैं उनके काम में है, और जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा हो उसको ही मजा आ सकती है। देख लिया, कभी ऐसा महसूस ना हो इंडिया जाने के बाद अगर कोई बोले कि वाह आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं गए थे वॉकिंग स्ट्रीट में, तो हम उनको बोल सकते क्या देख लिया, इसमें कोई होता नहीं है। वहाँ पे जो होती है लड़कियाँ होती है सेल्समैन है, बियर बेचती है, बियर की जाहिरात करती है, क्लब हाउस है, बस यही है। फिर भी आने वाले आते हैं, और थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे, और बार्गेनिंग पूरे पूरे करने का। यहाँ पे टिकटॉक चल रहा है, टैक्सी बाइक भी चलती है, आप जिस पे बैठना चाहो वहाँ पे बैठ सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है, बस मिल जाता है। इंग्लिश आपको आता है ना आता है, थोड़ा आता हो लेकिन चल जाता है, कहीं ना कहीं इंडियन भी मिल जाते हैं। गुड प्लेस पटा है। आई है टोमोरो गेटिंग टू बेंगलोर, सॉरी बैंकॉक, एंड देयर इज लिव टू डेज एंड वन डे सिटी टूर, वन डे selling and market look, दो दिन के बाद मंडे के दिन back to Pavilion in India, हमारी फ्लाइट बैंकॉक से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद है। मजा आया। थैंक यू भाई, पूरी भाजी आती है, खा के होटल पे चलते हैं, मजा है। ये गाड़ी में हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं, ब्लैक कलर की है,
बैंकॉक जा रहे हैं लोग। आज शाम को बैंकॉक जाके घूमेंगे, इसके बाद कल तो सिटी टूर है हमारी। टाइम हो गया है, वेरी गुड प्लेस। बैंकॉक में मिल रहे हैं इंद्रास घर के अंदर सब सामने है ऑनेस्ट का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सब मिलता है, भाजी पाव डोसा चाउमीन सब कुछ मिलता है। यह है सियाली, वहाँ जाते हैं। ये मार्केट के अंदर मार्केटिंग करना पड़ता है, आधे भाव में बोल देगा। अगर कोई 100 बाट बोले तो बोलेगा 50 में देना, तो दे देगा। ये देखो चाय वाला ब्रदर आ रहा है, वो भी बोलता है 20 बाट की चाय बेचता है वो, इंडिया का 50 रुपीज। हुआ अच्छा है। ये यहाँ इंडिया से है बराबर। आप लोग कहाँ से? श्रीलंका से। श्रीलंका से। वेरी गुड। आप इंडिया कहाँ? इंडिया मिनिस्टर आल्सो केम। मिनिस्टर वो जो प्राइम मिनिस्टर इज माय कास्ट मोदी। हाँ। श्रीलंका इंडिया फाइव बाय। वी मेट योर मिनिस्टर यस्टरडे मुंबई। यू आर मुंबई? अहमदाबाद गुजरात। स्टेट मिनिस्टर यहाँ पर झोल मिलता है, 500-500 बार में झोल मिलता है। यहाँ के ट्रांसपोर्ट देखो, बैंकॉक के ट्रांसपोर्ट है। ये क्यू है बैठने के लिए,
यहाँ का ट्रांसपोर्ट है बहुत अच्छा है। हम लोग इंदिरा मार्केट में आए हैं परचेज करने के लिए, बच्चों के लिए चॉकलेट, क्लोथ्स, एनीथिंग। हियर विद क्लॉथ पर्स एंड एवरीथिंग विल हियर। इंदिरा मार्केट है बैंकॉक। इंडियन खाना यहाँ पे मिलता है। पहले दिखने को जा रहे हैं। बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं प्लेस। बैंकॉक का पैलेस देखने को हम जा रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया है। किंग लिव फ्रॉम हियर। Thank you.
यहाँ के जो राजा है उनकी ये फोटो दिखाता हूँ, देखिए मेरे पीछे। The part of palace बहुत बड़ा है। इनकी टिकट है 100 baht टिकट है। ये सब पैलेस के ठेकेदार है। यहाँ पर बुद्धा की 550 kg गोल्ड मूर्ति है, 22 कैरेट की है। बुद्ध भगवान सो गए वही मूर्ति है। हमने gentle and beautiful Thai art and culture, along with the beauty of gemstones, show the utmost value of civilization. Far from Bangkok, to the east, about 300 kilometers, is Chantaburi province, a quiet seaside town. That is a natural, not natural thing. Buddha is sleeping. Buddha is sleeping. This. आज हम जा रहे हैं बैंकॉक टूर के लिए। होटल में आए, ब्रेकफास्ट करके जाएंगे बैंकॉक सिटी टूर ढूंढने। बैंकॉक सिटी टूर देखने को सुबह सुबह में क्या दाल भात खाएंगे, दाल भात और सब्जी अभी खानी है। 7 बजे कौन खाता है। ये हमारी होटल है बैंकॉक में ठहरी थी।
ફરતી હોટલ પતંગ જશે અમદાવાદ મેં રામદા હોટલ ઇસ ગાડી કે અંદર જાયેંગે સિટી ટૂર કરે બુદ્ધા ટેમ્પલ हम इंडिया जाने के लिए आ गए लेकिन अभी तक एयर इंडिया का काउंटर ओपन नहीं हुआ जो वहाँ खाली बैठा क्या करें उसके लिए जब आएगा तब जाएगा ना हम आ गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली बैंकॉक से अब हम जा रहे हैं अहमदाबाद અમદાવાદ કી ફ્લાઇટ હૈ 4:40 બજે અમદાવાદ પ્લેન મે બેઠને કે લિયે જા રહે હૈ અમદાવાદ હમ પહોંચ ગયે દેખો સબ ફ્લાઇટ ખડી હૈ એરપોર્ટ થી અબ ઘર જા રહે હૈ જલ્દ વિડિયો બના કે આપકો દિખાઈએ